किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। सरकार के खिलाफ अन्नदाताओं में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। किसानों और सरकार के बीच लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के आंदोलन का अब एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने भी समर्थन किया है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर के शर्मा ने बड़ी अपील की है और साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। के शर्मा के मुताबिक कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास किया गया है। उन्होंने कृषि कानून पर जल्द समाधान निकालने की मांग करते हुए कहा है कि समाधान नहीं निकलने पर देश भर का किसान सड़क पर होगा। मोदी सरकार ने पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है। अब नजर अन्नदाता की जमीन पर है, जिसकी मैं और एनसीपी पूर्ण निंदा करते हैं। हमारी पार्टी का पूरा कार्यकाल किसानों की भलाई में व्यतीत हुआ है और हम किसानों की भलाई चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की शरद पवार पर टिप्पणी पर के शर्मा ने कहा, रविशंकर प्रसाद झूठ का पुलंदा है। हम ऐसी किसी भी प्रकार की बातों में उलझकर घटिया और ओझी राजनीति नहीं करते। देखिए, ये जो किसानों का आंदोलन है, ये किसी भी तरीके से आजादी के आंदोलन से कम नहीं है। ये किसानों के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य का सवाल है और पूरा देश को तो भारत की वर्तमान सरकार ने पूंजीपतियों के हाथ बेच ही दिया, लेकिन अब वो जमीन को, कारोबार को, खेत को, अनाज को, सब्जियों को भी उनके हवाले करके इस देश को बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते हैं पूंजीपतियों का। एनसीपी इसकी घोर निंदा करती है। एनसीपी का और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार साहब का, माननीय रुहुल पटेल साहब का, आदरणीय सुप्रिया सुले जी का, किसानों के लिए पूरा का पूरा पार्टी का किसानों का पूरा समर्थन है और हम हर कीमत पर किसानों की जमीन को और किसानों के भविष्य को बचाएंगे, चाहे इसके लिए एनसीपी को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। एनसीपी ने, माननीय शरद पवार साहब ने, माननीय प्रभुल पटेल साहब ने, सुप्रिया सुले जी ने और हमारे सभी साथियों ने किसानों की लड़ाई को लड़ा है और माननीय पवार साहब का पूरा जीवन ही किसानों की सेवा के लिए समर्पित रहा है, चाहे वो कृषि मंत्री के रूप में हों, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में हों, चाहे भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में हों। माननीय रविशंकर जी की टिप्पणी जो है वो झूठ का पुलिंदा है और उनको एक जिम्मेदार पद पे होने के बाद एक इस तरीके की गैर जिम्मेदार बात माननीय शरद पवार साहब को लेके नहीं कहनी चाहिए थी। हम इसकी भी निंदा करते हैं। दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।